हेलो दोस्तों, आज का यह वीडियो एक कबूतर नामक प्राणी पर आधारित है। दोस्तों, आपने कबूतर अपने घरों के आसपास बाग बगीचों में देखा ही होगा। कबूतर एक पक्षी वर्ग में आने वाला प्राणी होता है, जो कि हमारे घरों की दीवारों आदि पर घोंसला बनाकर आसानी से रहता है और उन घोंसलों में अंडे देता है। दोस्तों, आपको यह भी पता होगा कि स्तनधारी प्राणियों जैसे कि हाथी, गाय, शेर, चीता, मनुष्य आदि में मादाओं के पास एक विकसित स्तन ग्रंथि पाई जाती है, जिस ग्रंथि के द्वारा दुग्ध यानी दूध का श्रावण होता है। इस दूध से वह अपने नवजात शिशु का पोषण करती है। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार से कबूतरों में भी दूध का श्रावण होता है, लेकिन कबूतरों में स्तनधारियों की तरह से कोई विकसित स्तन ग्रंथि नहीं होती है, लेकिन कबूतर के गले में एक क्रॉप नामक भाग होता है, जिससे कि क्रॉप मिल्क यानी कबूतर का दूध निकलता है और इसी दूध से वह अपने बच्चों का पोषण करती हैं। दोस्तों, कबूतरों में नर व मादा दोनों में क्रॉप मिल्क निकलता है, अर्थात नर व मादा दोनों अपने बच्चों को दूध पिला सकती हैं। दोस्तों, कबूतर का दूध या अन्य स्तनधारी का दूध बहुत ही पौष्टिक और पोषण सहित होता है, क्योंकि इस दूध से ही उनके नवजात शिशुओं को भरपूर पोषण मिलता है, जिससे उनका सही से विकास हो पाता है। इसीलिए प्राकृतिक रूप से कबूतरों में भी एक दूध पाया जाता है, जिसे क्रॉप मिल्क कहा जाता है। यह दूध नर व मादा दोनों से निकलता है और वह अपने बच्चों को पोषण प्रदान करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, इसे बताने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।